नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 24 जुलाई से 30 जुलाई के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें क्योंकि ये सप्ताह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बेवजह की मानसिक चिंताएं भी इस सप्ताह में परेशान कर सकती हैं और परिवार और ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, जिसका ध्यान मेष राशि वालों को रखना है। हालांकि सप्ताह के अंत तक, शुक्रवार तक आते आते चीजें आपकी बेहतर जरूर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये सप्ताह सावधानियां दिखा रहा है। पैसे रुपए का अगर कोई भी लेन देन करते हैं तो सावधान रहें, कोई धोखा ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसका ध्यान जरूर बनाए रखेंगे। वृषभ राशि, सप्ताह बहुत सारे मामलों में आपके लिए बेहतर है और इस सप्ताह में काम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे। आपके मन और स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिला के इस सप्ताह में अच्छी रहेगी। इस सप्ताह में कोई वाहन, संपत्ति, कोई महत्वपूर्ण सामान आप खरीद सकते हैं, ऐसी संभावना बन सकती है। घर का रिनोवेशन करवा सकते हैं, कुछ इंटीरियर में बदलाव करवा सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं भी आपके लिए दिख रही हैं। सप्ताह के अंत में सर्दी, जुकाम, बुखार का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव दिख रहा है, पारिवारिक मामलों के लिए भी और पैसों को लेकर भी, तो थोड़ी शांति बनाए रखने से शुरुआत में स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। इस सप्ताह किसी छोटी यात्रा पर जाएंगे, यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और इस सप्ताह करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन होगा जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन का मामला कुल मिला के इस सप्ताह में थोड़ी मुश्किलें देगा, लेकिन अगर प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुराने लोगों से सहायता मांगेंगे तो चीजें आपकी मैनेज हो जाएंगी। कर्क राशि, तनाव अभी मन में चलेगा और इस सप्ताह के अंत तक छोटी छोटी बातों को लेके परेशानियां और तनाव आपके लिए हो सकता है। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और बेवजह की चिंता मत करिए। आने वाला समय आपका बेहतर है, आपकी समस्याएं जरूर बेहतर हो जाएंगी। अगर कहीं शादी की बात करने जा रहे हैं या शादी तय हो रही है तो उस रिश्ते में बड़ी सावधानी रखिएगा, वहां पे मामला टूट सकता है, अलर्ट होने की जरूरत अवश्य है। और करियर में अगर कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है तो लगभग 10 दिन इंतजार करिए, उसके बाद आपकी चीजें स्वतः ही बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। इस सप्ताह में मन और स्वास्थ्य का ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। सिंह राशि, धन का मामला, करियर का मामला, पैसे का मामला अच्छा है आपके लिए और बहुत सारी मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा इस सप्ताह में नहीं है। दुर्घटनाओं और चोट चपेट से आपको बचना होगा और अगर पेट की शिकायत है या ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की शिकायत है तो उसमें लापरवाही मत करिएगा। करियर के लिए कोई बड़ा निर्णय के लेने के पहले थोड़ी सावधानी रखिएगा, उसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। कन्या राशि, सप्ताह आपके लिए बेहतर है और इस सप्ताह में करियर और पैसे से संबंधित फायदे होंगे। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, कोई धन का लाभ हो सकता है, करियर में कोई नया अवसर भी आपके सामने आ सकता है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और अगर कोई मैसेज कर रहे हैं, कोई मेल कर रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं तो लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा। अपने प्रेम संबंधों में चीजों को मत छुपाइए, चीजों को जितना क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तुला राशि, थोड़ी सी मुश्किल अभी सेहत की बनी हुई है, अभी भी सावधानी बनाए रखें वरना आने वाले समय में गंभीर मुश्किल में पड़ेंगे।
स्वास्थ्य पर अभी भी बहुत ध्यान दें, हालांकि पैसे और काम का मामला आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगा, जीवन ठीक गति से चलता रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रतियोगिता है, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना इस समय में जरूर बन रही है। तुला वाले नशा करने से बचें और वाहन चलाने में सावधानी रखें, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इस समय इनके लिए घातक हो सकती हैं। वृश्चिक राशि, धन की मुश्किलें इस सप्ताह में आपकी मैक्सिमम दूर हो जाएंगी और इस सप्ताह में करियर और काम को लेके आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। कोई नया मौका या नए तरीके का काम आप इस सप्ताह में कर सकते हैं, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। वृश्चिक वाले अगर अविवाहित हैं तो इस समय कोशिश करके देखें, इस समय बात बन सकती है। और वृश्चिक राशि वाले एक बात का बहुत ध्यान रखें, अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसमें सावधानी रखिएगा, और अगर किसी को कोई कमिटमेंट करना है, कोई वचन देना है, कोई वादा करना है, तो उसमें थोड़ा सावधान रहेंगे। धनु राशि, करियर में इंटरनली आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन हो सकता है, हालांकि दौड़ भाग मेहनत इस सप्ताह में जरूरत से ज्यादा रहेगी, उसका ध्यान रखिएगा। हड्डियों की समस्या, चोट चपेट और नसों की समस्या का इस सप्ताह में आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। पैसे और परिवार का मामला आपके लिए कुल मिला के ठीक रहेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से विवाद मत करिएगा जो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा दे, तो अगर काम का प्रेशर है या चीजों की मजबूरी है तो चीजों को शांति से हैंडल करिएगा, बेवजह के विवाद मत बुलाइएगा। मकर राशि, स्वास्थ्य इस सप्ताह में आपका बेहतर रहेगा और संपत्ति के मामले में भी इस सप्ताह में आपको लाभ हो सकता है। मन की चिंताएं, सेहत का तनाव, ऑफिस की दिक्कत इस सप्ताह में दूर रहेगी, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, और महत्वपूर्ण काम है तो इस सप्ताह में निपटाइए, आपका काम निश्चित रूप से इस सप्ताह में पूरा होगा। सप्ताह के अंत में अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से बेहतर नहीं है, काम का प्रेशर कम करें और थोड़ा सा आराम का भी ध्यान रखें। बेवजह के दूसरों के विवाद में इंटरफेयर मत करिए, दूसरे के मामलों को सुलझाने का प्रयास मत करिए, वरना आपका मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। और शांति से रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, नौकरी में नए अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहें। और इस सप्ताह में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। प्रेम संबंधों में इस समय बिखराव हो सकता है, टूटन हो सकती है, अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। क्रोध और वाणी पर इस सप्ताह में नियंत्रण बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे सप्ताह भर भगवान कृष्ण की अगर रोज सुबह पूजा करें, दो पत्ते तुलसी के उनको रोज सुबह अर्पित करें और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं कि देखिए, हमारे केवल दो ही नंबर हैं, 9911807007289818072644। केवल इन दोनों नंबरों पर ही आप प्राधिकृत और सही सूचना पा सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में गलत नंबर देने का प्रयास करते हैं, उनके चक्करों में आने से बचें। और किसी भी तरह की फेसबुक के माध्यम से हम सेवा नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल यही दो नंबर हैं जिन पर संपर्क करके आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।